नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग आप ठीक होंगे। और हम चल रहे हैं रास्ते अभी आपको पता ही है, पचपन जा रहे हैं। पहला भाग आप देख चुके हैं, शायद दूसरा वीडियो भी देख लिया है। ये हमारा तीसरा वीडियो है तो आप दर्शी देख रहे हैं। ये अभी खेतों में तवी निकाल कर छोड़ के रखा है बस। बार बार खुद को दोष मत दो, जिनको आपसे दूर जाना होता है ना, वो कोई ना कोई गलतियां निकाल के दूर चले ही जाते हैं। और जिनको साथ निभाना होता है वो हजारों गलतियां माफ करके भी साथ निभा लेते हैं। जैन पकौड़ा होटल जो वहाँ के पकौड़े प्रसिद्ध हैं, एक्चुअली मैं तो खाता नहीं। फाइनली हम पहुँच गए हैं होटल, आपको अभी दिखा देते हैं होटल के आसपास का दृश्य। और होटल यह है जैन रेस्टोरेंट। ये होटल है दवा में। फिर हम वापस हो गए रवाना। आगे निकल गए हैं पंचपुत्रा की तरफ। जीवन में ये दो खूबी अपने अंदर पैदा कर लो, पहला चुप रहना और दूसरा माफ करना। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ करने से बड़ी कोई सजा नहीं। आपको डुबाने के लिए दुनिया में ऐसे लोग भी बैठे हैं जिनको तैरना आपने सिखाया। कड़वा है लेकिन सच है। मुंह में जबान सबकी होती है, लेकिन कमाल वही लोग करते हैं जो इस जबान को संभाल कर रखते हैं। जब कोई काम नहीं कर रहे हो तो हमेशा घड़ी की तरफ देखो, और जब भी कोई काम कर रहे हो तो घड़ी की तरफ कभी मत देखो। हो सकता है कि थोड़ा लेट समझ में है, लेकिन यदि आ गया तो जिंदगी बदल जाएगी। अबे मोरे गाड़ी दबार खींची है, सब लेट हो रहा। बाहर दिखा था मैं रिफाइनरी। अब ये भी ठीक है कि कम से कम ये सीजन के बाद आएगा। एक्चुअली क्या है, ये जो बंदा यहाँ पे काम किया ना शेड का जी, उसको आने वाला था और यही कोर्ट किया तो यहाँ पे उसको बहुत रुलाया। सही बात है, यहाँ का उसको बहुत रुलाया, इसीलिए क्या है वांटेडली उसको छोड़ दिया। आज का दिन में जॉब मिलना बहुत मुश्किल है जी। सही बात, छोड़ेगा कौन? तब कितना टॉर्चर करके रहता है वो लोग। आज सुबह से मेरे को फ़ोन किया हो सर, क्या हुआ? उनको बहुत हेल्प किया हो इधर पे, छोड़ा दिया बिल्कुल। मैं उसको बोला शेखर मेरा काम होने दो, मैं तुमको पर्सनली मैं आपको पैसे दे, अगर मेरे को रेंट में लेके आना तो बहुत खर्चा हो सर। कंपनी के नॉलेज में डालना नहीं है। नहीं, कंपनी के थ्रू ही। अभी क्या है, हम लोग क्या है पूरा एकदम ट्रांसपेरेंट है। गलती मैं कर रहा हूँ, भुगतेगा कौन है? पूरा एंटायर फैमिली। प्लीज वीडियो में अपने साथ बने रहे, पूरा खाना पानी की भी बात है ना, तो इसीलिए हम लोग एंटरटेन नहीं करता है। तो मैं उसको बोला शेखर मैं ऑलरेडी ऑफिस में बात करें, अभी मेरा ऑफिस में क्या है, तुम जो फाइनल करते हैं वो सही है। मेरे को प्रोजेक्ट नुकसान में गया, प्रॉफिट में है वो नहीं है, वो एक्स्ट्रा है। तुम्हारा बात क्या है दैट आई विल फुलफिल दैट सर। तो घोड़े का कितना चार्ज पे किया? घोड़े का नहीं, उसको बोला मैं अभी आज आ रहा है मैं सेट पे, अगर तुम है तो मैं बात करके मैं आपको। तो अभी है वो शिकट? नहीं, वो बोला मैं घर पे जाके है, तुम देख लो आरिफ भाई। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं निकलने के टाइम पे आपको फ़ोन करेगा। आप बता दो कितना है, हम कुछ तो भी निगोशिएट करके देखें, ये कर देंगे। इंसान के पास पैसा होना चाहिए क्योंकि फीलिंग्स की तो वैसे भी कोई कदर नहीं करता। ठीक है सर, मैं हाफ मैं पे कर दूं तो हाफ आप पे कर दूं। इनका एक्चुअली इनका जो बॉस है इतना रूड बात किया मेरे से, तो
बोला मैं तुमको घोड़ा नहीं देता है, तो जिसको बात करना है बात कर लो, मैं नहीं देता है, ऐसा बात किया। तो मैं इसको आने के बाद इसको रिक्वेस्ट किया, अरे तुम्हारा बॉस तो ऐसा बात किया। सही बात। तो हम लोग रिक्वेस्ट किया, अभी देखो मैं भी लाना है भाड़े के लिए, तो क्या फ़ायदा है, जो भी है मैं तुमको दे देगा। हाँ ठीक है सब ओके, मैं हमारा साहब से मैं बात कर लेके क्लोज करेगा, आप यूज़ कर लो। कुछ पत्र आने ही वाला है दोस्तों, अभी हम थोड़े से दूर हैं पचपदरा से। सर रोड समझ के बैठ जाता है, तो खुला दिखेगा तो बीच में डरा। सर मैं इसी ये स्टाफ है सर लोहावट का, मतलब मेरे यहाँ से करीबन 125 किलोमीटर और आगे बढ़ता है। ठीक है सर, जोधपुर से फॉलो दिस साइड में लेने के लिए जाता हूँ, तो जैसे ही मतलब मेन हाईवे से अंदर एंटर करता है ना सर, सामने जो भी गाँव वाले आए ना, जगह ही नहीं देंगे आपको, नीचे उतरना पड़ेगा सर। ये हाल, एक तो वन वे ट्रैफिक है वहाँ पे, ओनली वन लेन है, उसमें भी आपको वो जगह देंगे नहीं। फाइनली आ गया पचपदरा।